उत्तर प्रदेश की अमरोहा सीट से कांग्रेस ने दानिश अली को टिकट दिया, जो पिछली बार बीएसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते थे। हालांकि दानिश अली को विरोध का सामना करना पड़ रहा है अमरोहा में भी, और फिलहाल दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कुछ इस अंदाज में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनके हाथों में जो तख्तियां हैं उस पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से दानिश अली के खिलाफ नारे लिखे हुए हैं, और ये सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और दरअसल इस प्रदर्शन के पीछे अमरोहा के कांग्रेस के नेता सचिन चौधरी हैं, जो इस सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। हालांकि बाद में सचिन की बजाय दानिश अली को टिकट दे दिया, और इसके बाद सचिन चौधरी के जो समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। आप लोग कहां से अमरोहा से? कहां से? हम किसी के समर्थक में नहीं है, हम किसी के समर्थक में नहीं है। हम दानिश अली के विरोध में आए हैं, भेजा किसने जी? किसने? हम खुद आए हैं। एक मिनट। अमरोहा में कहाँ से? अमरोहा क्षेत्र से जी। भाई चाहते हैं आप? हम दानिश अली को हटाना चाहते हैं, हम बाहरी आदमी नहीं लाना चाहते अपने क्षेत्र में। बुराई है दानिश अली में? पिछली बार तो वो जीते थे लोग। दानिश अली जी ने 5 साल से कोई काम नहीं किया है। अभी आप अमरोहा क्षेत्र में जाकर के देखें, सड़कें, गड्ढे, कॉलोनियां किसी को नहीं मिली है। जो विधवा लोग हैं, औरतें हैं, उनको पेंशन नहीं मिली है। बहुत सारी चीजें अभी तक किसी का कोई काम नहीं हुआ है 5 साल से। हम सर अमरोहा लोकसभा से है। दानिश अली जी अगर कुछ करोगे होते हैं तो बहन जी टिकट नहीं काटती, धक्का मार के बहन जी ने उन्हें निकाला अपनी पार्टी से। जी जी बिल्कुल बढ़िया। धक्का मार के निकालता, जो आदमी क्षेत्र में रहता हो उसे पार्टी सिटिंग। आपकी पार्टी ने? आप लोग क्या कांग्रेस कार्यकर्ता? हम कांग्रेस से कार्यकर्ता है। अच्छा, किस पद पे आप? पद पे नहीं है, हम माटी से जड़ू हैं, जमीन से जड़ू हैं। तो फिर कांग्रेस ने ऐसे नेता को क्यों शामिल कराया और अब टिकट दे दिया? ये बड़े नेताओं को जो भी है टिकट दे दिया, हम इस चीज की अपनी पीड़ा लेकर आए। हम अपने नेताओं से भी गुजारिश कर रहे हैं। सुन रहा आप लोगों की? अगर अगर एक मिनट अगर अगर किसी उसमें अगर दानिश अली जी ने अगर कोई काम ढंग का किया होता तो उन्हें बहन जी धक्के मार के क्यों निकालती? अगर बस स्टैंड बना दिए हैं तो सड़कें नहीं है, उस पर बसें नहीं। आपकी पार्टी ने क्यों उन्हें टिकट दिया फिर? सर एक मिनट सर, पार्लियामेंट में जो आदमी अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, बिजली से बेइज्जती करा ली तो वो हमारी सुरक्षा क्या करेगा? जब हमारे आज तक 5 साल। आपकी बात कोई सुन रहा है? आप लोग प्रदर्शन करनी पड़ेगी, राहुल गांधी जी को सुननी पड़ेगी। हमारी बात हमारी पार्टी सुनेगी तो हम पार्टी में रहेंगे, वरना हम पार्टी ही छोड़ देंगे। राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ, अगर अमरोहा लोकसभा सीट दानिश अली के हाथ में गई तो सीट हारेगी, 3 लाख वोटों से हारेंगे। किसको टिकट दिलवाने के लिए आप? किसी को भी दे दो, हमारा क्षेत्रीय नेता होना चाहिए जो हमारे पास में, जो हमारे घर में गढ़ के जो नेता है वो नेता होने चाहिए। हाँ, किसके समर्थक है? किसी के समर्थक नहीं है हम। ठीक है, तो बेशक ये लोग कह रहे हैं कि ये किसी के समर्थक नहीं है, लेकिन अमरोहा से कांग्रेस के नेता हैं सचिन चौधरी, ये सभी उनके समर्थक हैं, और उन्हीं के द्वारा ये प्रदर्शन करवाया जा रहा है पार्टी दफ्तर के बाहर दबाव बनाने के लिए। और ये दावा किया जा रहा है कि दानिश अली का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा था और उनके खिलाफ लोगों के बीच माहौल है, और ऐसे में कांग्रेस को ये टिकट बदलनी चाहिए। देखना यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस प्रदर्शन के दबाव में आएगी और क्या अमरोहा सीट पर उम्मीदवार बदलेगी। वहीं दूसरी तरफ सचिन चौधरी जो हैं वो निर्दलीय पर्चा भरने की भी कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इन सब कवायदों से यूपी में कांग्रेस की जो कोशिश है कहीं ना कहीं उस पर ये इन प्रदर्शनों से और इन विरोध प्रदर्शनों से असर जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन रविश पांडे के साथ जयनेन्द्र, एबीपी न्यूज दिल्ली।